आपका विधायक भी हमारे साथ चीन से, बीजेपी विधायक कृष्ण बिड्डा जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की और अब जल्द ही प्रदेश में जो है वो पंचायत चुनाव भी होने वाले, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही है? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पहले निकाय चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, इसी प्रकार से जो गांव के चुनाव आएंगे इनमें भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी बिल्कुल, तो क्या पंचायत चुनाव में भी बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेगी। जी बिल्कुल, सर जिस तरीके से जो इनेलो के प्रदेश महासचिव है अभय चौटाला, उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कई जो विधायक हैं उन्होंने पैसे लेकर वोट डाला है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास सबूत भी है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, अगर अब इसमें चौटाला जी कोई बात कह रहे हैं और प्रूफ है तो उन प्रूफों को दिखाने का काम मैं तो यही कहूंगा। जी सर, जिस तरीके से अभी पूरे देश में जो माहौल है, उदयपुर में जो हिंसा हुई है उसके बाद जो देश में माहौल अब बिगड़ता नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, जो हो रहा है आप देख रहे हैं, हालात इस तरह से बिगड़ रहे हैं लेकिन इन हालातों पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हालात बिगड़े हैं, जो हुआ गलत हुआ लेकिन इन हालातों को जल्दी ही काबू पाया जाएगा। किसी प्रकार की हिंसा धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस प्रकार की हिंसा का काम करते हैं। सर पर जगह जगह पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, कई संगठन है, कई हिंदू संगठन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर समय रहते पार्टी अगर नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लेती तो शायद जो है वो आज इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती? जिस प्रकार के हिंदू संगठन लगे हैं, आप ये मान के चलिए कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी जो और समाज ये कहूंगा कि और उसके लोग होते हैं जब वो करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लगता। इस प्रकार के हिंदू देश में कहीं ना कहीं हिंदुओं को पीड़ा तो होती है कि उनके साथ ऐसा तो कोई कार्रवाई नहीं होती जाती, अगर किसी के साथ ऐसी कुछ हो जाती तो कार्रवाई पूर्ण रूप से होती है, ऐसा मानना भी सकता है। जी बिल्कुल, और सर जिस तरीके से अब नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और इस पूरे मामले को लेकर नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया कि शायद अगर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी नहीं की होती, अगर किसी के धर्म को आहत नहीं किया होता तो आज कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती, आज कन्हैया लाल भी हम सबके बीच मौजूद होते। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, मैं तो यही कहूंगा कि कोर्ट का सबसे सम्मान कर। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो आप सबके सामने है, ये कहूंगा कि ठाकरे साहब अच्छे ढंग से नहीं संभाल पाए जिसकी वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ, और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो अच्छे ढंग से महाराष्ट्र चलाने का काम करेगी और अच्छे ढंग से, मैं ये कहूंगा कि आने वाला समय विकास की गति को महाराष्ट्र में बढ़ाने का। जी बिल्कुल, और अब उद्धव ठाकरे जी ने जो है ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो शिवसेना को खत्म करने का काम कर रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो उनके अपने मन की सोच है, अगर व्यक्ति अपने आप ये सोचने लग जाए कि कोई हमें समाप्त करना चाहता है तो उसकी मन की सोच है, ये उद्धव ठाकरे जी की मन की सोच है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, उनके दिल की सोच है। जब आदमी के मन में ऐसी बात आ जाती है तो आप ये मानते थे कि कोई भी व्यक्ति उसके मन में ये आ जाए कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा या मैं नहीं जी पाऊंगा तो आदमी कुदरती वो ढीला पड़ जाता है, अपने आप इसको लगता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा। कई उद्धव ठाकरे जी को ये लग रहा है कि अब हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही खत्म हो जाए। जी सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव में पार्टी ने अच्छी जीत दर्ज की है, अब जो जनता है वो भी सरकार से उम्मीद लगा रही है कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उन पर सरकार काम करे, और ऐसे में बरसात का मौसम है, कई जगहों पर जलभराव जैसी स्थिति आती है, उसको लेकर के क्या कुछ काम किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गलियों में या सड़कों में जो है वो पानी भर जाता है, जिस वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तो जींद की बात विशेष तौर पर आपसे कर सकता हूँ, जींद में
डीसी साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे कहा गया है कि जो ये बारिश का सीजन आ रहा है इसके चलते सभी नालों और सीवरेज की सफाई प्रारंभ कर दी जाए। तो कुछ समय से प्रारंभ किया है और जबकि सुपर सेकर मशीन से गेंद के सभी सीवरेज की व्यवस्था को संभाला जा रहा है। जैसे कल पुरानी सब्जी मंडी और अजंता देवी मंदिर आ रहा है, उसके सुपर सेकर मशीन लगी हुई है और जितना बकट से काम है चलता हूँ सीवरेज का उसको बकट से भी किया जा रहा है और नालों की सफाई भी यूएलबी के द्वारा की जाए। जी बिल्कुल, और खास तौर पर अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं बरसात, हालांकि धान की फसल के लिए तो काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए किसानों की अन्य फसलों की तो उस भारी बरसात से अगर जल भराव होता है तो फसल खराब होने का भी जो है वो डर बना रहता है। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर के किस तरह से काम कर रहा है और उस प्रशासन को किस तरह से दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को कोई समस्या ना आए। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि किसानों की फसल का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। अगर सीधा ना साथ नुकसान हो भी जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसकी जांच करवा के उसका पैसा का भुगतान एक किसान किया जाए। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही हैं और आप पर एक आरोप भी लगा है कि पत्रकार के साथ आपने बदसलूकी की है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो आरोप लगा ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया है। डॉक्टर अंगारा सैन जी का अगर जो चेयरमैन प्रसन्न बीती है उनकी एक सभा चल रही थी, उस सभा के अंदर एक बुजुर्ग माता ने ये कहा कि बिटिया तुम भी आना क्योंकि विधायक जीतने के बाद हमारी फिल्म में नहीं निदा प्रश्न निदा नहीं है, तुम आती रहना। तो जिस दिन से उन्होंने बात की और कुछ क्षण के बाद उस बुजुर्ग महिला ने ये कहा कि कोई पंजाबी हमारा पैसा मांगे जी। और जो पत्रकार हैं अनिल जी, उन्होंने साथ के साथ ही ये सलाह दिया कि विधायक ने पैसे खाए और हमारे विरोधियों ने इस बात का जमकर प्रचार किया इलेक्शन के तहत कि विधायक ने नौकरी को लिख के पैसे। और फिर जब जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, मैं अभी कुछ शांत कुछ में था, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस काउंटिंग के दौरान जब मैं नेहरू स्टेडियम के अंदर एंट्री कर रहा था तो पत्रकार महोत्सव मेरे सामने आए थे, उन्होंने कहा कि बाइट दीजिए। मैंने बाइट देने से सरेआम मना कर दिया, मुझे तुमको कोई बाइट नहीं देनी, तो हमारे खिलाफ हुई ये एडिटिंग आप देख सकते हैं, उन्होंने चला रखी। जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सच से बोल रहा हूँ और कहेंगे तो जो पहले की वीडियो थे वो भी मैं आपको देखी। उन्होंने इस बात पर धुआंधार प्रचार कर दिया साथ के साथ, जिसके चलते मतलब एक गलती करने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया पैसे को खाने का। वो उनकी क्या मंशा भी मैं नहीं जानता, किसी लालच में किया या किसी प्रेशर में किया। आप एक पत्रकार हैं, आप एक छोटे कम पहले से आपका फर्ज बनता है कि कोई भी बात है उसकी पूरी जांच परख करकर हम सामने रखें। आपकी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी को हानि न पहुंचे, किसी के उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगे, ऐसा तो पत्रकार को भी सोचना चाहिए। आप एक बात सोच के चलिए, पत्रकार और पॉलिटिकल व्यक्ति का एक आपस में सही करना होता है, एक दूसरे को आमने सामने में पेश होना होता है। आखिर कुछ तो कारण ज्यादा मुझे ये काम करना पड़े, सवाल 2 करोड़ का ये उसका नहीं है। ये तो ऐसी पोजिशन के अंदर अगर वो व्यक्ति हमारे से मिलते और कहते कि ठीक है गलत लग गया या बुजुर्ग महिला की आवाज समझ में आता है, उसको खुद हम इस बात को मानते तो ऐसा कुछ नहीं होना था। लेकिन उन्होंने खुद इसको इतना फूल दे दिया इस बात को, लोगों के संगठनों को इकट्ठा कर लिया, जैसा विपक्षी दल है कोई आप पार्टी का कोई ऐसा कोई भी खाप इनके पक्ष में नहीं आई। क्योंकि जो भी एक अच्छा व्यक्ति होगा मैं कहूंगा खाते जो फैसला करते हैं उस सच्चाई के आधार पर करते हैं। जो वीडियोज मेरे पास है उन्हें आप देखें और सुने। और सबसे बड़ी बात, जब इस पत्रकार महोदय ने लिखा, लिखने के कुछ ही क्षण के बाद जब ये कहा गया कि मैं एफआईआर लॉन्च कराऊंगा तो उन्होंने उस टिप्पणी को डिलीट करने का कहा। इससे साफ मंशा जाहिर होती है पत्रकार की मेंटल अच्छी नहीं। जी बिल्कुल सर, हमने जिनकी कुछ तस्वीरें भी देखी जिसमें कुछ संगठन जो है, कुछ किसान संगठन और उसके अलावा भी कई अन्य संगठन जो है वो पत्रकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया जिस तरीके से चौथा स्तंभ है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, और ऐसे में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के आरोप में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, डीसी को ज्ञापन सौंपा और आप पर एक्शन लेने की बात कही। अब इस पर आगे आपका क्या कुछ कदम होगा? पत्रकार ने पत्रकार का साथ दे दिया या कुछ वो संगठन नहीं है वो हमारे खिलाफ है, आप पार्टी के लोग हैं या अन्य पार्टियों के लोग हैं जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे विरुद्ध खड़े रहते हैं, वो लोग कोई खाप किसी प्रकार की किसी खाप ने समर्थन नहीं किया, किसी प्रकार की कोई खाप वहां आई नहीं।
पर मैं तो ये भी कहूंगा आपसे कि एक तो हुड्डा साहब का जैसे जितेंद्र जी का ट्वीट आया हो रहा है कि इसकी जांच की जाए, मैं भी तो जांच की मांग कर रहा हूं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, जो वीडियो जिस महिला की उसको सुना जाए, उस पर जांच की जाए। इसके लिए इतना बड़ा संगठनों को इकट्ठा करने का काम जो इस पत्रकार महोदय ने किया, इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि किसी भी तरह से ये प्रेशर दिखाना चाहता है कि नहीं दबाव डाल के इस बात को खत्म करना चाहिए। अरे भाई बात खत्म ही करनी थी तो आप वैसे आकर मिलिए, तेजी चलीजिए, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं सुनने में त्रुटि लगी मुझको या बात लिखने में लगी, उस बात को खत्म किया जा सकता है, वरना इतने इतने बड़े संगठनों को इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। कोर्ट का मामला, कोर्ट छूट लेगी, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोर्ट को सर्वे माना जाता है, अगर कोर्ट में हम लोग जाएंगे जो कोर्ट फैसला करेगी मंजूर हो जाएगा, इसलिए जिसके लिए इतने बड़े संगठनों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत जी। ये तो आपकी मान, कहीं ना कहीं वो दोषी अपने आप को अंदर मान रहा है, इसलिए प्रेशर दिखाने के लिए इतना सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कोर्ट में केस डाल करता है और लोग संगठनों को इकट्ठा करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर आप सही हैं तो कोई बात नहीं, सजा या जो दंड होगा वो कोर्ट मुझे देगी, अगर आप गलत हैं तो कोर्ट आपको दंड दे, या आपसी भाईचारे में बैठकर उसे समाप्त कर दिया जाए। तो क्या सर उनके आरोप के बाद आपकी उनसे कोई बातचीत हो पाई हो, या इस मसले को लेकर आपकी उनसे कोई भी जो है बातचीत हो पाई हो? मेरी अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। आपको सबसे बड़ी बात बताइए कि पॉलिटिकल व्यक्ति का और एक प्रेस मीडिया का आपस में भाईचारा होता है, एक सामने सामने प्रतिदिन मिलना होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक पॉलिटिकल व्यक्ति इतनी बात नहीं करेगा जब तक सिर से पानी नहीं करता। उस व्यक्ति ने जगह जगह एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और विरोधियों ने जमकर इसका प्रचार किया, क्या आप सोच सकते हैं कि मेरी छवि कितनी धूमिल हुई होगी इस बात को लेकर? कल्पना करके देखिए ना, एक पॉलिटिकल व्यक्ति को जिसको एक अच्छा माना जाता है, जगह जगह उसका प्रचार किया गया कि उसने पैसा लेकर नौकरी पैसा खाया था, अच्छा खाया, उसे आप अच्छा मानते जी बिल्कुल। तो क्या गलती सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति से होती है, प्रेस वाले से गलती नहीं हो सकती? हो सकता है किसी लालच में या किसी प्रेशर में उस व्यक्ति ने गलत काम किया, फिर उसने डिलीट क्यों की, पोस्ट डिलीट क्यों की? अगर वो सत्य था तो पोस्ट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी जी। सर आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, पंचायत चुनाव जल्द आने वाले हैं, उस पर जो है गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या बीजेपी जो है वो इस बार पंचायत चुनाव में अकेले खड़ी होगी? हमारे जो भी फैसला अगर वो निशान देना चाहेंगे तो पीएमओ मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को जिताने का काम करेंगे, जिस प्रकार से भी पार्टी फैसला लेगी। जी बिल्कुल सर, प्रदेश में जगह जगह से बिजली कट की जो समस्या है वो भी सामने आ रही है, और इसमें बरसात के मौसम में बिजली कट जैसी समस्या से लोगों को भी कई परेशानी होती है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम जो है वो उठाया जाए ताकि लोगों को इन सारी समस्याओं से ना जूझना पड़े? आपकी बात दुरुस्त है, थोड़ी सी समस्या इतने लंबे समय के बाद ये बिजली की समस्या आनी शुरू हुई है, लेकिन जल्दी ही इसको दुरुस्त किया जा रहा है माननीय मंत्री साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी भी और एपीएसपी के दास जी इस चीज को लेकर चिंतित है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि हरियाणा के अंदर कोई भी बिजली को लेकर कोई संकट न आए, क्योंकि पिछले जो 2.5 साल लगभग बीते हैं उसमें किसी प्रकार की बिजली को लेकर दिक्कत नहीं, कुछ कारणों से दिक्कत आ जाती है कई बार, लेकिन इसको माननीय मुख्यमंत्री या बिजली मंत्री हैं वो बिल्कुल सीरियस है और पूरा निश्चित ज्ञात है कि यह समस्या जल्दी हल। जी बिल्कुल, और सर साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रदेश में जो है आए दिन नशा तस्करी के मामले अधिकतर जो है वो सामने आते हैं, ऐसे में इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि नशा जो है वो सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है, तो उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि नशे की लत है या नशा जो आ रहा है ये बिल्कुल गलत है जी। पूर्व में सरकार भी सीरियस रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सीरियस है, पिछले विधानसभा सत्र में भी इस विषय पर बात चली थी और नशे को लेकर, क्योंकि पंजाब से नशा आ रहा है, पंजाब के युवा अधिकतर मात्रा में नशे में फंसे हैं, और मैं तो ये पंजाब के लिए कहूँ, मुझे भारतवर्ष के लिए कहूंगा कि नशे से बचना चाहिए, क्योंकि नशा जो है जड़ें खोखली कर देता है, जिससे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, और सरकार इस मामले को लेकर बड़ी सीरियस है और पूरा प्रयास है कि नशे के लेन देन को रोका जाए, और इसमें आप देख भी रहे लगातार कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग नशा बेचते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि नशा की वजह से कई घरों को बर्बाद करें। जी बिल्कुल,
सर 2024 में लोकसभा चुनाव भी और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के की जा रही, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी, तो क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के की जा रही है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज हुई है, साफ ये भी कहा जाता है कि पंजाब की राजनीति का हरियाणा पर भी असर पड़ता है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव जीत लेती है तो अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन से प्रारंभ कर देती है, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी सोच है, अमित शाह जी ने कहा है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं, एक चुनाव जीता आज जैसे काउंसिल का चुनाव है, पंचायत का फिर लगातार निरंतर 2024 के चुनाव को लेकर हम तैयारियां कर रहे हैं और अगली बार से सरकार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और सेंटर में तीसरी बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी का भी इस देश को चलाने का काम करेंगे, ये पूरी उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, 100% ये उम्मीद के साथ विश्वास के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी का करेंगे अच्छी सीटों से जीतने का हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, निकाय चुनाव में गठबंधन के साथ आपने चुनाव लड़ा और राज्यसभा में भी जो है साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा गया, अब क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में भी क्या गठबंधन के साथ मैदान में उतरेंगे? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाए और लोग अच्छी जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाने का काम करेगी और ये चुनाव माननीय मनोहर लाल जी के ही इसमें लड़ा जाएगा, संक्षण में ये चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरी बार ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बाकी जो हमें आदेश होगा उस आदेश की हम पालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूरे समूचा हरियाणा तक पूरे समूचे भारत में बिताने का। जी बिल्कुल, सर आखिरी में आपसे एक सवाल ये जरूर जानना चाहूंगी कि आगे अब पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, आगे पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, क्या कुछ पार्टी के जो है वो मुद्दे रहने वाले जिन पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, पार्टी का सबसे विशेष मुद्दा विकास जी, और मेरा मानना है कि जींद को अगर आज से 5-7 साल तरीके से मैं तो जींद की ही बात करूंगा, बाकी तो जो हो रहा है वो आपके सामने, जींद में अगर 7 साल पीछे चले जाए तब जींद की हालत देखिए और आज जींद की हालत देखिए, जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज 750 करोड़ रुपए की लगभग लागत से कर रहे हैं जो 2023 में कम्प्लीट हो गए, झाकड़ा का पानी जींद में लाया गया, जींद को 6 नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है, इससे माहौल अच्छा रहेगा, यहाँ बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े यूनिट लगेंगे और ये कह सकता हूँ कि जींद पहले से बेहतर है और जींद के चारों तरफ बाईपास बन चुके हैं, अंडरब्रिज बन चुके हैं, फ्लाई ओवर बन चुके हैं, आज जींद का अगर हम ये कहें बाईपास कह लीजिए या सर्कल कर लिया आउटर सर्कल, आज जींद का अपना पूरा सा फ्लाई ओवर से हवा में घूम रहा है और जींद के अंदर आप यूनिवर्सिटी देखिए जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से खाई है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की देन है और जींद सौंदर्यकरण की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ सड़कें हैं या सीवरेज की थोड़ी अव्यवस्था है, वो भी जल्दी से बेहतर हो जाएगी, तो मेरी एकादत है जो कमियां हैं वो कमियां भी बताने का काम करता हूं, जो बेहतर की है उसको भी बताने का काम, कुछ कमियां हैं उनको सुधारने का प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक उन कमियों को भी सुधार दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी और आपने सुना जहां पर जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा हमारे साथ जुड़े और उन्होंने पत्रकार के साथ बदसुलूकी करने वाले आरोप पर भी जो कहा कि वो निराधार है और इस पर आगे जांच जरूर की जाए। फिलहाल आपका विधायक में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।